हेलो हेलो मनोज जी। हाँ जी। हाय, आप टी में रहते हो ना? जी बिल्कुल, मैं भी डी कॉम्प्लेक्स में ही रहती हूँ। मैं एक्चुअली ब्लॉक बी में रहती हूँ, आप डी में रहते हो। ओके जी, बोलिए। हाय हाय, एक्चुअली मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए हैं, तो मैंने आपका प्रोफाइल काफी टाइम से देखा है। एक्चुअली हमारे सोसाइटी का जो व्हाट्सएप नंबर है, वहां से मिला आपका नंबर। ओके, तो आई हैव सीन यू, पहले भी मैंने देखा है। तो क्या आप चाय पे आ सकते हैं? मेरे मेरा नाम रेनू है, मेरे हस्बैंड एक्चुअली बाहर गए हुए हैं, तो आई जस्ट वांटेड यू टू कम फॉर टी, एक बार आ जाते तो। सॉरी बट आई डिडंट गेट यू, आपके हस्बैंड बाहर गए तो यू वांट मी टू कम एंड हैव अ टी विद यू? या एग्जैक्टली, एक्चुअली मैं आपसे काफी इम्प्रेस्ड हूँ, मैंने काफी टाइम आपको देखा है, खास करके आपके बालकनी में बेंच प्रेस करते हुए, जिम करते हुए। यू हैव अ टोटल जिम सेटअप ना? Yes, so just a passion. You're very, very well built. However, thanks a lot for the compliment. Can you just come now? Just chai ke liye. बैठेंगे, बातें करेंगे। मेरे हस्बैंड बाहर है तो जस्ट थिंकिंग कि अगर आप आ जाएं तो। रेनू जी, आर यू श्योर अबाउट इट? लाइक यू वांट मी टू कम? या डेफिनेटली, आई जस्ट वांट यू टू कम ओवर, प्लीज। मतलब यू कैन कम। ओके, सो यू वांट मी टू कम नाउ, राइट? हाँ, भाभी जी कुछ माइंड नहीं करेंगे ना? नहीं, शी इज एक्चुअली आल्सो नॉट एट होम। हाउएवर, अगर होती भी तो So, not have been any problem as such. तो just आ जाइए ना। ओके, ठीक है, alright. So which tower did you say? It's on the B block B, sixth floor. आप लिफ्ट से आ तो नहीं सकते क्योंकि लिफ्ट खराब है, तो वही एक प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक हेल्प चाहिए थी आपसे। आप जैसे ही आते होंगे ना, तो नीचे हम लोगों का लिफ्ट के नीचे, एक्चुअली लिफ्ट के सामने गैस सिलेंडर पड़ा हुआ है, वो उठा नहीं पा रहे थे, तो अगर आप वो लेते हुए आएंगे तो। यू नो, यू वेरी वेल बिल्ट, मैंने देखा है। वो नीचे है, हम उठा नहीं पा रहे हैं, मेरे हस्बैंड बाहर है ना, तो यू कैन कम एंड यू कैन जस्ट, लिफ्ट भी खराब हो गया। लिफ्टिंग लॉट ऑफ वेट, मैंने बालकनी पे देखा है, आप बहुत सारे वेट चुटाते हैं, तो मुझे लगा कि आप ही होंगे वो। ऑफ कोर्स, प्लीज आ जाइए ना, प्लीज। मैं अदरक वाली चाय बना के रखती हूँ। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर द इनविटेशन। जल्दी आइएगा। थैंक यू, थैंक्स मनोज जी, थैंक यू। हेलो, हाँ सर, सैलरी की बात कर ले, पैसे कितने लेंगे आप? सैलरी की बात कैसे बात करनी भाई? देखिए, सैलरी जो मिलेगी मिलेगी, वो बात अलग है, और उसके बाद में दिवाली, होली, दुर्गा पूजा है ना, ईद, ये सारे जो त्योहार है, इनमें आपको बख्शीश के पैसे मिलेंगे, वो अलग। कौन है भाई साहब, कौन है? अरे भाई, आप सिलेंडर डिलीवरी का काम करते हैं ना, रेनू जी के घर जाने वाले हैं सिलेंडर लेकर के, तो हम वो गैस कंपनी से बात कर रहे थे, आपको हायर करना चाहते हैं। आप तो इतने वेल बिल्ट हैं, हस्ट पुस्ट की, मतलब एक बार में दो दो सिलेंडर उठा लेंगे, 30 किलो वजन उठा करके आराम से। एक मिनट, रेनू जी के हस्बैंड बाहर गए तो आप सिलेंडर उठाने को तैयार हो गए? अच्छा, ओके, तो रेनू मैडम जी, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, FM 93.5 से मुर्गा बना रहे थे। अरे भगवान, किसी को छोड़ते नहीं है, सिलेंडर उठाना है। अब भैया, रेनू जी के घर में चले जाइए यार, और रख ही दिया इन्होंने। हेलो सर, आर यू फ्री टू टॉक राइट नाउ? मैडम हिंदी में बोलेंगी क्या? हेलो सर, एक्चुअली हमारे यहाँ पे चल रहा है एक अनोखा टेलीफोन कॉन्टेस्ट, जहाँ पे अगर आप वॉइस पहचानेंगे तो आपको हर वॉइस पहचानने पर ₹100 आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। वुड यू लाइक टू प्ले सर? जी जरूर, पैसा तो फेर ही सकते हम लोग। ओके सर, तो आपके लिए वॉइस ये रहा। आई खामोश,
ये तो शत्रुघ्न सिन्हा का आवाज है। नहीं, आपको बताना है कि कौन सी मूवी में शत्रुघ्न सिन्हा ने ये इस्तेमाल किया था। भाई साहब, जहाँ तक मेरे को पता है तो हर एक मूवी में इस्तेमाल किया हुआ है। कालीचरण में भी किया हुआ, विश्वनाथ में भी किया हुआ है। नहीं, ये डिफरेंट था, ये था अर खामोश। कालीचरण और विश्वनाथ वाला था अर खामोश। अरे यार, कैसा सवाल है यार ये। सर, आप अपना दिल छोटा मत कीजिए। हाँ, डोंट वरी सर, फिर से एक बार खेलते हैं। बोलिए बोलिए। कुत्ते, कमीने, मैं तुम्हारा। ये धर्मेंद्र जी है। नहीं, आपको बताना है धर्मेंद्र जी ने कौन सी मूवी में इसका इस्तेमाल किया था। अबे यार, कैसा सवाल है। धर्मेंद्र तो हर एक मूवी में यूज करता है यार। काट रहे हो क्या फोन करके? सर, आप गुस्सा मत होइए सर, हम लोग तो ऐसे को टेस्ट कर रहे हैं। 100 रुपए आपके अकाउंट में हम लोग क्रेडिट करेंगे। लेकिन बताना है कि कौन सी मूवी में, समझे? खराबी के लिए ना सर, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। 4 घंटे बाद हम लोग फिर से आपको ट्राई कर रहे हैं सर। वुड यू लाइक टू प्ले द कॉन्टेस्ट? मैडम, एक बात बताइए। जी सर। ये कैसा सवाल था? आवाज कौन को देवी? फिर से वही सब आप लोग ऐसा ऐसा सवाल पूछोगे बेकार में। सर, अब तो हम लोग पूरा चेंज कर देंगे सवाल सर, डोंट वरी। बट सर, प्लीज गिव अस लास्ट चांस सर, एक और मौका प्लीज। मैडम, इतने प्यार से बोलो, 10-10 चांस दे देंगे आपको। थैंक यू सर। आपके लिए क्वेश्चन ये रहा। नाना पाटेकर, नाना पाटेकर। आवाज सही पहचानी है, लेकिन आपको बताना है कि कितनी बार हा में ई की मात्रा लगी है। ये हा की ई की मात्रा ई की मात्रा। दिल छोटा मत कीजिए। तू तो चुप ही रहे, चुप रहे तू। सर, क्वेश्चन पूछना है, क्या आप शादीशुदा हैं? मैं शादीशुदा हूँ चाहे नहीं, करेगी तो शादी करेगी मेरे से? सर, जिस इंसान के पास इतना फजूल का वक्त हो, वो मुझसे शादी करेगा तो मुझे कितना वक्त देगा? देगा वक्त के साथ क्या क्या को पता है? एक आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल सर। हाँ, एक आखिरी सवाल। अरे बटे, कभी रेड एफएम सुना है? रेड एफएम तो सुनता रहता है। हाँ बेटा, तो मैं रेड एफएम जार्जी प्रवीण, मेरे साथ में मलिका, हम लोग मुर्गा बना रहे थे आपका। बड़े टाइम के बाद में बट सक्सेसफुल। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो भाई। रख शायद, क्या बोला? रख डन। हाँ भाई, बोले रख डन। हेलो, कविता भाभी जी नमस्ते, कैसी हैं आप? नमस्ते, मैं ठीक हूँ, आप कौन बोल रहे हो? भाभी जी, आप मुझे नहीं पहचानेंगी भाभी जी, बट हम आपके फैन हैं। मतलब आपका चैनल है यूट्यूब पर, एक हमने उसको सब्सक्राइब करके रखा है। ओहो, थैंक यू भाभी जी। वो व्हाट्सएप ग्रुप में आपने लिंक भेजा था, वो बिल्डिंग वाले, तो वहीं से ना भाभी जी। तो मैं एक चीज कहना चाहता हूँ भाभी जी, आपके घर में मेंबर, हाँ मेंबर भाभी जी, घर में 10 है ना आपके? हाँ, 2 माइनर हैं, सबको लेके 10 जन है। हाँ, भाभी जी 10 मेंबर है, लेकिन एक बात है भाभी जी, चैनल पे व्यूज आपके सिर्फ 3 ही है, मतलब घर वाले भी सपोर्ट में नहीं है आपके। हाँ, तुम कौन बोल कौन रहे हो? भाभी जी, मैं सब्सक्राइबर बोल रहा हूँ। तुम मेरा क्या पे काटने के लिए फोन किया है? कोई काम नहीं है दोपहर को, आराम करो, खाना वाना खाओ, हम लोग को भी तो रेस्ट करने दो, ये का फोन मत करो यहाँ पे, समझे? हेलो, नमस्कार मैडम। नमस्ते, मैं पॉपुलेशन कंट्रोल डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। एक डेटा कॉन्फर्म करना था। हाँ हाँ बोलिए ना। आपके घर में कितने मेंबर है कुल मिला के? 8 और 2 माइनर, 10 जन है।
भाभी जी हमको ऐसा लग रहा है कि दो माइनर और एक आपका, यही तीन व्यूज आपके यूट्यूब से। अजीब आदमी हो यार बाबा, क्यों फोन कर रहे हो? दिमाग खराब हो गया है क्या? और एक बार भी तुमने फोन किया ना, बस इतनी हंसी क्यों आ रही है तुमको? बेवकूफ आदमी कहीं के मैं नहीं उठा के फोन करने चले हैं। हेलो हेलो यस हाय मैम, एक्चुअली आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिस एजेंसी एंड हम लोग कंटेंट क्रिएटर्स के साथ काम करते हैं। आपने एक वीडियो बनाया था डालगोना कॉफी पे लास्ट ईयर? यस 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 या एंड यू नो इट हैज जस्ट गॉन वायरल, सब लोग देख रहे हैं एंड यू नो बहुत सडनली उसके पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। जी जी ओके एंड एंड मैं उसी के रिगार्डिंग आपको कॉल कर रही थी। सो शेफ संजीव है, ही सो इम्प्रेस्ड विद योर वीडियो, वो आपसे खुद बात करना चाहते हैं। जी जी ओ गॉड रियली या एंड मतलब वो आपसे खुद बात करना चाहते हैं। कैन आई जस्ट पुट हिम ऑन कॉल? शो प्लीज 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 प्लीज। नमस्कार कविता जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कौन? जी मैं शेफ संजीव बोल रहा हूँ। कौन संजीव? वही संजीव जो आपके डालगोना कॉफी देख करके खुश हो गया है। जो आप सोच रहे थे कि अनिल कपूर का कपूर होगा, लेकिन ये तो शक्ति कपूर वाला कपूर निकला। आप कौन बोले भाई? मैं आपका सब्सक्राइबर बोल रहा हूँ जिसने करके आपकी कविता जी कविता जी लेकिन एक बात है, घर में परिवार के लोग 10 है लेकिन आपके व्यूअर्स व्यूज सिर्फ 3 हुए भाभी जी। मैम आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेडियो 93.5 से। आपके हस्बैंड के बोलने पर हम आपका मुर्गा बना रहे थे। आपने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, आपके हस्बैंड ने बोला था मुर्गा बनाने को एंड उन्होंने ये भी कहा था कि आप कंप्लेसेंट हो गई है, आप अब यूट्यूब पे वीडियोस नहीं बनाना चाह रही है, बोल रही है व्यूज नहीं आ रहे, तो वो चाहते हैं कि है नहीं बैंक में और मुझे फोन कर करके परेशान करवा रहे हैं। वो चाहते हैं कि बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों के बाद इतने सारे काम के बीच में एक थोड़ा हंसी मजाक करके बहुत अच्छा मैसेज तो ठीक है भाभी जी, थैंक यू भाभी जी, आप खुश रहे भाभी जी, आप खुश रहो। हेलो हेलो सर, मैं एयरलाइन से बात कर रहा था। सर आपने 6 तारीख की कोलकाता टू चेन्नई की एक फ्लाइट बुक करी है और 10 दिन पहले आप चेन्नई से कोलकाता आए थे। ऐसा है सर कि आप जिस रो में बैठे हुए हैं उस रो की 2 टिकटें जो आपके अगल बगल की हैं वो आपको खरीदनी पड़ेगी, बिकॉज सर वी कैनॉट अलाउ एनीवन टू ट्रैवल विद यू। मेरे साथ तो कोई नहीं रहेगा, मैं क्यों फिर टिकट? नहीं नहीं, मतलब हम उस 2 सीट पर किसी को बैठा करके ट्रैवल नहीं करवा सकते। वो तो आपका पर्सनल बात है, लेकिन सर ये हमारी कंपनी के लिए लॉस है क्योंकि कारण इसके पीछे आप हैं। मैं कैसे कारण बन सकता? सर लास्ट टाइम व्हेन यू ट्रैवल्ड फ्रॉम चेन्नई टू कोलकाता आपने भर्ती प्लेन में इतना फार्ट किया कि आपके अगल बगल के 2 पैसेंजर बेहोश हो गए। क्या बात कर रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। कौन बोला आपको ये सब? आई एम फ्रॉम द एयरलाइंस एंड वी हैव ऑल द डिटेल्स सर एंड वी नो व्हाट यू एट दैट डे। क्या मैंने खाया था? चीज सैंडविच खाया था, क्यूकम्बर एंड लेटस वाला, एंड यू हैव हैड अ कोल्ड ड्रिंक। हां तो उसके साथ गैस का क्या कारण? वो तो और ज्यादा गैस बनाती है ना सर। गैस बनाती है तो मैंने छोड़ा था। आपने छोड़ा था सर, अगल बगल 2 पैसेंजर सर बेहोश हो गए थे, एयर होस्टेस भी आपको सर्व नहीं करना चाहती है सर, वो झुक करके जब आपको सर्व करने गए उनके नाक के 2 बाल चल गए सर। क्या बकवास कर रहे हैं आप? कौन बोल रहा है बोलिए तो। इतनी विषैली स्मेल है सर। सुनिए मैं आपसे फोन पे बात कर रहा हूँ, मुझे फोन पे स्मेल आ रही है। आप कौन बोल रहे हैं बोलिए तो। एक छोटा सा उपाय हमारे पास में, हम लोगों ने एक नया डिवाइस बनाया है, लैवेंडर फार्ट मशीन। लैवेंडर फार्ट में डालेंगे? बिल्कुल सही। अब उससे क्या होगा? ये जो मशीन है ये आप वायु निषेध छिद्र, वायु निषेध छिद्र, वो क्या है? वो ये वही जगह जहाँ से गैस का प्रवाह निकलता है, ये वहाँ लगाएंगे तो आपके फार्ट में कोई स्मेल नहीं आएगी, पा देंगे और लैवेंडर की खुशबू आएगी। मैं आपके साथ में खोल के दूंगा, आप वहाँ पे लैवेंडर डिवाइस लगाएंगे। आज के लिए स्पेशल ऑफर है, सिर्फ 6,000 रुपए, और अगर आप अभी तुरंत बुक करते हैं सर तो 6,000 में आपको 3 लैवेंडर फार्ट डिवाइस मिलेंगे जो आप अपने वायु निषेध क्षेत्र में लगा सकते हैं।
निकाल के रखिएगा और एक एक में 10,000 बार आप फार्ट कर सकते हैं। अभी तुरंत पुलिस को फोन कर रहा हूँ कि मैं मुझे ऐसा हैरेसमेंट हो रहा है। मैं ऐसा है कि आपको ये जरूरत है अब इतना गंदा पाल। अरे यार आप क्यों मुझे परेशान करो इतनी बार, आपका कोई काम नहीं है बोल के बैठे हो ऐसा। तो आप अपनी फैमिली के लिए भी खरीद सकते हैं, दो अगर खरीदेंगे तो आपको 7 पीस मिलेगा। काम करो आप अपनी फैमिली के लिए खरीदो। बोल तो दादा मेरा नाम प्रवीण है और मैं रेड एफएम से बोल रहा हूँ। तो आपको ये वायु निषेध छिद्र के लिए यंत्र चाहिए? जी मेरा छिद्र भी नहीं है, मुझे चाहिए भी नहीं। हेलो सर, आपने दुबई के वीजा के लिए अप्लाई करा था? हाँ जी, हाँ जी सर। जी हमारे वीजा ऑफिसर आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, क्या मैं आपके फोन को ट्रांसफर कर सकता हूँ? जी बिल्कुल सर। मुझे नहीं समझ आ रहा आपकी बात। सुनिए ऐसा है कि एग्जाम में क्या करते थे, कुछ समझ में नहीं आता था लेकिन उल्टा पुल्टा लिख करके आते थे, तो वैसे चुप मत रहिएगा सर, जो भी पूछो उसका जवाब दे दीजिए जो मन में आए। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके हाँ 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 मैं जाना चाह रहा हूँ सर। हाँ ले बैठ दो है बाखू बाखूबा। अरे सर मैं बुआ भी जाएगी मेरे साथ। हाँ जी सर लाइन में हो ना सर। क्या बोल गए इतना सब कुछ समझ नहीं आ रहा। उनके सवालों का सही जवाब आपको ले जाएगा दुबई और आपका समय शुरू होता है अब। न मैं सोफी में खेल रहा हूँ न मैं खूखा पा। जवाब बताइए आपको चुम्मा चुम्मा मिलेगा। सर दो मिनट अफसोस आपने जवाब नहीं दिया, आपका समय यही पर खत्म होता है। सर आपने वो जो वीजा ऑफिसर थे उनके सारे सवालों के जवाब नहीं दिए, उनको आपके ऊपर में डाउट है इसलिए उन्होंने आपका वीजा कैंसिल कर दिया है। एक मिनट मुझे जरा बाहर आने दो। एक मिनट हाँ जी हाँ जी बताएं आप क्या बोल रहे हैं। उन्होंने मेरा कैंसिल कर दिया। हाँ जी आपका वीजा कैंसिल हो गया। अब दिमाग खराब है, पैसे दिए 3 लाख का पैकेज लिया था मैंने, पैसे दिए उनको। सर वीजा कैंसिल, वो ट्रिप भी कैंसिल सर, वो 3 लाख रुपए तो गए सर आपके। अबे वो का बच्चा, हबीस का बच्चा तू, अबे तुम्हारा ये जो भी बोल रहा है क्या है वो, अब बहुत काम की बात बोल रहा है आपसे। ये ना मैं खुनुसी मैं। सुनिए लूडो मत इसमें आ रहे हो खड़े सामने आ तू। मैं बस नहीं है खड़े मैं सुन रहा हूं। मैं 3 लाख क्यों से मसूल हूं, पूरी उंगली निकालूंगा तेरे पैसे भाई। सर ऐसे गंदे गंदे काम भी करते हैं आप। मैं छी 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 तोड़वा पूरे काउंटर जितना भी तेरे सामने मैं आग लगा दूंगा। मैं की है मैं अबे साले तुझे तो काटूंगा तू सामने आ। चले आना तू पान की दुकान पे 5:30 बजे मैं आऊंगा। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से और हम लोग सर वो प्रिंटिंग प्रेस से बोले थे आपने, वो शादी के कार्ड प्रिंट करने के लिए दिए थे ना आपकी बहन के। जी एक प्रॉब्लम हो गई सर जो मैं आपको बताना चाहता था। आपकी बहन का नाम सुनीता है ना सर? हाँ सुनीता। प्रिंटिंग में थोड़ी सी गलती हो गई है, वो सुनीता की जगह कविता हो गया है। एक बात मुझे क्लियरली बता दे कि जितने कार्ड छपे थे सब में तूने नाम गलत डाल दिया। सर 200 कार्ड तो आपने छपवाए थे, कंजूसी वहाँ कर गए थे, आपने बोला था कि बाकी को व्हाट्सएप कर देंगे। कितने महंगे कार्ड थे, तुझे आइडिया भी है यार? तो मेरे को मालूम है ना सर, 1500 रुपए वाले कार्ड थे, 3 लाख रुपए आपका खर्चा पड़ा था। लेकिन सर आप टेंशन ना ले सर। टेंशन कैसे नहीं लूं? देखिए दोबारा कार्ड प्रिंट कराएंगे, 3 लाख रुपए आपके लगेंगे। तो भाई मैं क्यों कराऊंगा कार्ड प्रिंट, तू करके देगा? तो हम फ्री में क्यों करके देंगे भाई? गलती किसकी है फिर? भैया देखिए गलती इंसान से होती है, यू हैव टू लेट गो। ओए ओए गलती वलती माफ नहीं करने वाला, इतना कोई मैं वो नहीं बन रहा हूँ यहाँ पे। ऐसा है मेरे पास में बहुत अच्छे लॉयर है त्रिपाठी जी, ठीक है? आपकी बहन का नाम सुनीता है, सुनीता से कविता कर देंगे, वो एफिडेविट करवा के चेंज करा देंगे। तेरी दुकान मैंने देखी यार, ये बात समझ में। सुनीता नाम में क्या रखा है, ऐसा लगता है धतूरा खा के नाम रखा, क्या बड़ा गंदा नाम है। कविता रख लीजिए, कविता में मजा है। कविता ने कौन से यहाँ पे झंडे काट लिए यार? अरे कविता ने बड़े झंडे काटे, कविता कृष्णमूर्ति, ये सुनिए। कविता कृष्णमूर्ति सुना ना, निमुड़ा लगाने चला रहा है यहाँ, मेरा नुकसान हुआ पड़ा, नई नई चीजें बिनवा रहा है यार, अच्छी बात नहीं है। तेरे दुकान मैंने देखी है, मैं वहीं पे आ रहा हूँ, वहीं पे रही हो अभी। दुकान कान तो बंद कर दिया सर, ताला वाला लगा दिया, फोन स्विच ऑफ करके हम तो गाँव। मैंने आपकी मदद करने के लिए लॉयर रख दिया, 5,000 रुपए लेगा, उसका कॉल आ जाएगा आपके पास में, ठीक है? ओके भैया थैंक यू और हैप्पी मैरिज। ओके क्या हैप्पी मैरिज हो? सुन हेलो हेलो सुनिए बाय। अबे कहाँ भी मिलेगा तुम्हें यार, ये तेरी बात समझ पे साले भाई। मैं बताऊँ यहाँ पे सारी तैयारियां हो गई है, तुम्हारा कहाँ रहा नाम करने तक ऊपर से तुझे बोलना कब तक रखवा लो, मैं एजुकेट भेज रहा हूँ मैं साले। मैं अभी आ रहा हूँ, फोन मत रखियो साले।
हेलो। हाँ जी, हम त्रिपाठी बोल रहे थे, लॉयर त्रिपाठी। लॉयर त्रिपाठी आपकी बहन सुनीता। हाँ, सुनीता का कविता करने का बाबू। अरे अरे सर, मेरी बात सुनिए, वो जो कार्ड वाला उसका ये रायता पड़ा हुआ है। बहुत भला आदमी, अपना बिजनेस ठप हो जाए लुटिया डुबा दे, लेकिन दूसरों की मदद कर रहा है। हमें बोला कि सुनीता नाम की लड़की दुविधा में है, सुनीता का कविता कर दे। तो देखिए 5,000 प्लस GST लगा के तकरीबन 7,000 आता है, लेकिन आप 5,800 देंगे, हम उसमें नाम आप सब चेंज कर देंगे। कब आए भैया? मैं बोलूँ कुछ कब आऊँ पहले ये बताइए। यू आर द क्लाइंट इज गॉड। क्लाइंट इज गॉड, सुन ये तो अपनी क्लाइंट वाली थ्योरी ना, ये तो डाल तो अरे सर आप लोड ले रहे हैं। वैसे भी सुनीता नाम की लड़की ने क्या क्या कविता में मजा है तू बता दे। कविता में क्या उखाड़ा इससे? कविता हमने लिखी है, एज छेले कीचाई गो लाल देश लाई बिंदी लटाई, कविता की पहली। तू अपनी बीवी का नाम रख ले कविता, फिर सुनीता जी के भाई जी आप थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए। मैं RJ प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड FM 93.5 से, और हम आपका मुर्गा बना रहे थे और अब आपको जितनी गालियाँ देंगे। एक बात बताएं आपको, सुनीता में क्या रखा है? कविता में सब है कृष्णमूर्ति। नमस्कार सर, हम की तरफ से बोल रहे थे। हाँ, बोलो। आपने कुछ दिन पहले एक रिचार्ज करवाया था, उस रिचार्ज के बदले में आपको रशिया जाकर के फुटबॉल मैच देखने का मौका मिल रहा है। हाँ, वो हमारी हमारा तो पासपोर्ट नहीं, बिना पासपोर्ट के भी आप रशिया जा सकते हैं। बिना पासपोर्ट रशिया जाऊँ की भावे? जावा जाए, कारण जी रशिया तो ऑप्शन है। ना जी रशियार আমি কথা বলছি, টলিগঞ্জে একটা ক্লাব আছে, সেই ক্লাবের নাম হচ্ছে রাশিয়া। তাহলে তো আমার সাথে ইয়ার্কি মারছেন নাকি? না ইয়ার্কি মারনা হতো তো হম তো আপকো বলতে কি আর্জেন্টিনা হম আপকো ভেজেঙ্গে, যেটা বীরভূম ম্যাচ একটা ক্লাব তার নাম হচ্ছে আর্জেন্টিনা। হম লোক সিস্টেম চেক করি আপনার ডেটা কাহা খরচ হো, এক মিনিট রুকিয়ে গা। তো আমার সাথে দাদা একটু আপনাকে কি হোল্ডে রাখতে পারি? ঠিক আছে রাখুন। এটা হোল্ড মে কর দিয়া, রুক রুক, অ্যাকাউন্ট ডিটেলস মিলা, পয়সা হ্যায় কিতা ব্যালেন্স হোনে দিখাই দে ইসকা অ্যাকাউন্ট। 16,000 তেরা? হ্যাঁ करीब करीब 11,000 इसका सारा। नहीं, सारा मत निकालना एक बार में, ठीक है? थोड़ा थोड़ा करके निकालना ताकि इसको पता न चले इसके अकाउंट से पैसा निकाला जा रहा है। बस ये तुम लोग तो सब तो जानता है मेरा किधर किधर पैसा है, किधर किधर पैसा होगा। तुम्हारी कॉफ नहीं किया था अपना दादा? देखिए वो आपका 3 अकाउंट है, उसे थोड़ा थोड़ा करके पैसा निकालेंगे हम लोग, आप टेंशन मत लीजिए। দেখিয়ে আপনার সারা ডেটা তো মেরে পাশে আছে, আপনি কোথায় কোথায় কোন ওয়েবসাইটে গিয়ে কি ধরনের ভিডিও দেখেন, আপনার বাড়িতে যারা যারা আছে সবার নাম্বার আমাদের কাছে আছে, সবাইকে পুরো রিপোর্টটা পাঠিয়ে দেবো। না আপ তো গন্দে ভিডিও দেখতে হ্যায় তো গন্দে ভিডিও দেখতে তো আপকে ঘর বালো কো বাতা দেঙ্গে, বদলে মে হাম লোগ ক্যা মাঙ্গ রে, হাম লোগ তো কাও 3 অ্যাকাউন্ট সে পয়সা নিকাল রে থোড়া থোড়া, হ্যায় না? আরে উল্টো ওয়ালা এরকম করবি না কিন্তু, তারপর তোদের পুলিশে কেস করে দেবো, তোদের অফিসে পুরো কেস করে দেবো, পুরো কেস করে দেবো, ভাঙচুর করে দেবো কিন্তু। আচ্ছা ইতনা কুছ কর লেঙ্গে? তোরা আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট তোরা কাটছিস আর ইয়ে করছিস, আর তোরা হাসছিস, দেখ এক্ষুনি তো 5 মিনিটের মধ্যে কি করি আমি। তো নাম্বার লিখ লিজিয়ে আমারা, 5 মিনিট মে জো কর সকতে হ্যায় কর লিজিয়েগা। তোরা নাম্বার বল। 6693 5935 6653 935 935। আরে ইয়া, ইয়ে রেড এফএম কা নাম্বার হ্যায়, মে আরজে। हाँ जी कौन? आप आओगे ना? हाँ आप आओगे ना? कौन बोल रहा है? आओगे ना? मैं जो भी बोल रही हूँ प्लीज आओ ना। कौन बात कर रहा है? वो सब छोड़ो, आ जाओ, आओगे ना? कहाँ पे आना है? कहाँ पे? कहाँ वहाँ सब छोड़ो जानू, आओ ना, आओगे ना बोलो। आ जाऊंगा, लेकिन आप बोल कौन रही है? बुलाती है मगर जाने का नहीं। हेलो हेलो, आओगे ना आप? हाँ मैं आ जाऊंगा, लेकिन ये कोई पीछे से बोला कि बेकार की बातें छोड़ो, आओगे ना? लेकिन लेकिन आना कहाँ पर है? बुलाती है मगर जाने का नहीं। अरे क्या तुम बोल रही हो? आओ, ये बोल रहा है, बताओ क्या क्या चल रहा है? सच्ची बात बोलो ना जानू, आओगे ना आप? हाँ मैं आ जाऊंगा, लेकिन बुलाती है मगर जाने का नहीं। बना रही है चल रहे।
हेलो। हाँ सर, वो मिठाई दुकान से बोल रहे थे, आपने मिठाइयाँ कुछ करवाई थी ना अपने सासू माँ के लिए पैक, वो कम चीनी वाली। हाँ सर, तो वो तैयार हो गई है सर, आप कब लेकर के जाएंगे? कब लेके जाऊंगा, ले जाऊंगा, बताओ क्या क्या दिक्कत है? हाँ नहीं, मैं ये बोल रहा सर, आप अपनी सासू माँ के लिए ले जा रहे हैं ना सर? अरे मैं अपनी सासू माँ के लिए जाऊँ, बीवी के लिए लेके जाऊँ, तुम्हें कैसे पूछ रहे भाई? उसके लिए आप ससुराल जाएंगे ना सर? आ जाऊंगा, क्यों नहीं? सासू माँ ने कॉल करके आपको बुलाया ना सर? अरे तो ठीक है, मैं बोल तो रहा हूँ, मैं चले जाऊंगा, क्या दिक्कत है तेरे को? सर मैं ये कहना चाहता था सर, बुलाती है मगर जाने का नहीं। लगा रखा है ये, बार बार बोल रहे बुलाती है मगर आने का नहीं। मिठाई लेने के लिए बात हो रही है ना यहाँ पे? सर ससुराल तो वैसी चीज है सर, बुलाती है मगर जाने का। अच्छा भाई तुमने यार ये क्या कर रहे हो? हेलो हेलो, अरे कोई बोलेगा भी? बुलाती है मगर जाने का। कौन है तू? बार बार मेरे को कॉल करे आ रहा है, कभी बोल रहा है कि आ जाओ, कभी बोल रहा है नहीं, पहले वो लड़की कॉल कर दी है, कॉल कर रहा है, तुम बार बार मेरी दे रहे हो, तुम क्या कर रहे हो तुम ये है? मैं आरजे मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से हम लोग मुर्गा बना रहे थे सर आपका। तो आप आना है या नहीं आना है? बुलाती है मगर जाने का नहीं। अभी जो से बुलाती है मगर जाने का नहीं यार, गलत बात है, गलत बात है भाई, गलत बात है, ये अलग ही जान खेल रहे। ठीक है भाई, जाते रहो। गुड मॉर्निंग सर, वी कॉलिंग यू फ्रॉम जीमेल इंडिया। हम एक्चुअली क्या ना सर, जीमेल की सर्विस को अपडेट कर रहे हैं, हमारे जितने भी कस्टमर्स जीमेल का इस्तेमाल करते हैं, बेहतर सर्विस देने के लिए थोड़ी सी मेहनत हमारी तरफ से कर रहे हैं। सर आपके स्पैम बॉक्स में बहुत सारे मेल आते होंगे, है कि नहीं? भर गया है वो स्पैम बॉक्स, भर गया, राइट? नहीं सर, वो स्पैम फोल्डर है सर। स्पैम फोल्डर पूरा भर गया है। ऐसा है सर कि वी विल क्लियर दैट फॉर यू, एंड इन फ्यूचर आपको और कोई मेल नहीं आएगा। हाँ जी, तो सर पहला वाला जो मेल मैं देख पा रहा हूँ, दैट इज फ्रॉम डॉक्टर पत्रा। जिंदगी नरक कर रखी है, पता नहीं क्यों भेज रखा है डेली, बाल उगाओ बाल उगाओ बाल, इसको ब्लॉक करना से पहले। हम जो आपकी पिक्चर देख पा रहे हैं यहाँ पर जीमेल में, सर लग रहा है कि आपको एक बार डॉक्टर के पास घूम के आ जाना चाहिए। ओ, ओ भाई, हेलो हेलो, पिक्चर देख रहे हो, वो देखने से मतलब मत रखो, काम करो, खत्म निकलो यहाँ से। भड़क क्यों रहा? आपके सर पे बाल कम है, आई एम जस्ट सजेस्टिंग। सर पे बाल है या नहीं है तुमको क्या मतलब है, तुमको पैम बॉक्स क्लीन करने करो जल्दी। दूसरा मेल सर, वो आयुर्वेदिक क्लिनिक की तरफ से डिसफंक्शन और एक्चुअल जितनी बीमारियां हैं। सुनो सुनो, ज्यादा पढ़ने वाले की कोई जरूरत नहीं है, वो ऐसे मेल आते रहते हैं, तुमको पता होगा। तो आप ये हटाना चाहते हैं, मतलब आपको इसकी जरूरत नहीं है? मैंने बोला हटा दो हटा दो। सर मैं आपका चैट बॉक्स है उधर मैं देख पा रहा हूँ, किसी नीता नाम की लड़की से आपकी चैट हुई है। सर हमारे पास में सारी डिटेल्स है आपकी। ईमेल से तो मेरे प्राइवेट चैट पढ़ोगे ना के? हाँ सर, क्लीन करने जा रहा हूँ, राइट ऑफ प्राइवेसी का। सर पहले ठीक से बोल लीजिए सर, उसके बाद चैट में आपने लिखा है हाय, लड़की ने लिखा है हाय क्या कर रहे हो, आपने लिखा है कि आप जिम जा रहे हैं, तो लड़की ने लिखा है आपको सब चैट पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, लास्ट लाइन में बोल लीजिए सर। लड़की ने लिखा है कि जिम में जाकर मेहनत क्यों करते हो, क्योंकि जहाँ मेहनत करनी होती है वहाँ पर तो तुम सक्सेसफुल नहीं हो पाते हो। मना कर रहा हूँ ना मैं, एक मत पढ़ो, मना किए, समझ में नहीं आता है क्या प्यार से समझा रहे कभी से? तो सर आयुर्वेदिक वाले का बिल क्या करना है सर, ये रखना है या मोड़ के नंबर को अपने? एक बार चले जाइए सर इनकी क्लिनिक, बहुत जरूरत है इनको। आप वहाँ कहाँ जाने वाले थे, प्राइवेसी राइट इन्फॉर्मेशन कहाँ सर? पता नहीं वो साइबर क्राइम होता है के लिए। अभी ये भी है, कहाँ कहाँ से मेल नहीं आया इसको, रशियन गर्ल्स। हेलो, ईमेल के नाम पे लोगों ड्राफ्ट फोल्डर है, उसमें एक रेजिग्नेशन टाइप किया हुआ है, वो सेंड कर दी क्या? भाई भाई ईमेल बंद कर दे, मजाक मत कर, मैंने बात क्या हुआ सर? हंसते हंसते गलती से सेंड हो गया वो सर, गलती तुमने ईमेल की ना। मैं नौकरी कुछ भी हो गया ना, तुम्हारी कंपनी बंद कराऊंगा। एक मिनट, आप पर तो दोबारा मुकदमा ठोकना चाहिए। विन विद अविनाश @gmail.com, ऐसा कौन बनाता है? बनाता है मेरे बाप का नाम जानते हैं आप? तुम विधायक के बेटा हो साले। हम रेड एफएम से और आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ यार भाई, कम से कम आप पीछे। वो जो लड़की ने मैसेज में लिखा है, मेरा एक दोस्त है, वो फेक आईडी के लिए ईमेल अकाउंट बना रहा था, उसने मुझे मैसेज किया था। कोई बात, ये बात छुपा रहे हो या कवर अप करने की कोशिश कर रहा हूँ? भाई तो फिर आयुर्वेदिक वाला रख ले, बाद बाकी सब डिलीट मार दे। हेलो सागर जी, आपने कॉल किया था कुछ पॉलिसी वगैरह के बारे में बताने के लिए। सर अगर आप टाइम दे देना तो मैं पर्सनली विजिट करके आपको सागर, दैट इज नॉट पॉसिबल राइट नाउ। आपको 7,000 पर मंथ के हिसाब से पैसे पे करने होंगे, और जिसमें आपको रिटायरमेंट के बाद 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसमें टैक्स बेनिफिट है क्या? मैं आपको उसको मेल कर देता हूँ, अगर आप मेल आईडी दे देंगे तो आपको सारी चीजें इसमें मिल जाएंगे। क्या ये पॉलिसी मैं अपनी वाइफ के लिए एंड अपने बच्चों के लिए और अपने साले के लिए ऐसे कर सकते हैं? हाँ हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सबके लिए कर सकते हैं। इट्स अ जॉइंट फैमिली, सो 20 मेंबर्स की फैमिली है।
सर, तब तो और फायदेमंद रहेगा, बिकॉज हर किसी का अगर हो जाएगा तो हर किसी के लिए होता है। ठीक है सागर, रखता हूँ मैं भैया। हेलो, मैंने कहा सागर रखता हूँ फोन अभी। लेकिन सर क्यों रखता हूँ, मतलब रखता हूँ, टाइम नहीं मेरे पास में अभी आपसे बात करने की। नहीं सर, अभी तो आपने बोला कि टाइम है, मैंने बोला कि पर्सनल विजिट करके आपसे बात कर लेंगे। हमारी भुआ का लड़का है, वो भी इसी सेक्टर में है, उनसे अगर मैं पॉलिसी करवाऊंगा ना तो कमीशन के जो रुपए कुछ आपको मिलते हैं वो शायद हमें हमारे भुआ के लड़के से मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ बैठा हूँ, जो आपको समझा रहा हूँ चीजें, आपको बता रहा हूँ चीजें बताने के लिए। आपने कहा 7000 रुपीज पर मंथ एंड रिटायरमेंट पे 1 करोड़ रुपए। तो मैं कहता हूँ कि आपके बैंक को मेरी तरफ से ये ऑफर आप दीजिए कि 1 करोड़ रुपए मुझे पहले दे दे और मैं महीने का 7000 रुपए आपको देते जाऊँ। अच्छा, दुनिया को बैंक ऑफर देती है, आप बैंक को ऑफर दोगे? ऐसे नहीं होता ना, आपको करना ही है तो आप बहाने बना दो। नहीं, बहाने क्या बना रहा हूँ, देखिए मैं तो आपको लॉजिकली बता रहा हूँ। तो आप मेरे घर का एड्रेस वेड्रेस ले लीजिए, आ जाइएगा एक बार मिलने के लिए, तो हमें करोड़ रुपए का चेक बैंक तैयार करके लाइएगा आप बैंक से, और 20 मेंबर है तो 20 करोड़ रुपए। ठीक है, ठीक है, आप होल्ड रखेंगे सर, बस 1 मिनट। जी मैं होल्ड पे हूँ सर, मैं बाहर निकल रहा हूँ। अच्छा, मैं मेरी शक्ल पे लगा है, मैं सुबह से किसी शक्ल देख के उठा था कि आप मुझे मतलब बना रहे हो यार। एक बात, शक्ल तो आपकी देखी नहीं है ना मैंने, ठीक है, तुम लग रहे हो ना एक नंबर के, यारी बातें कर रहे हो, मैं पागल बैठा हूँ सुबह से, मतलब मेरी पॉलिसी, मुझे पॉलिसी दिखाओगी मतलब दुनिया को मैं चलाता हूँ कि मुझे। राइट मिस्टर सागर जी, बताएं, दिस इज मिस्टर प्रशांत चौबे, क्वालिटी कंट्रोलर ऑफ योर कंपनी। ये कॉल हमने जानबूझ करके किया था टू फिगर आउट कि आप कस्टमर से कैसे बात करते हैं। सर मैं तो कस्टमर से सर अच्छे से ही बात कर रहा था सर, मतलब वो आपने पॉलिसी वगैरह के बारे में बात की तो। नो नो वेट, कस्टमर कुछ भी कह सकता है, लेकिन आप इस तरह से गाली कैसे दे रहे हो कस्टमर को? चले भाई, इतना लोड मत ले, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 जन द्वारा मुर्गा बना भाई तुमको 20 करोड़ का बिजनेस दिया कर दिया। हेलो हेलो शोनाई, शोनाई आमी मामपी, के मामपी, मामपी चीनिस ना तुई, के मामपी, शोनाई केमन आछिस, आमी कोनो मामपी के चीनी ना, फालतू समय नहीं एखन आमार, शोनाई बाजाबी तुई आमार बियेते, की तुई बोलछिस, बाबू, के बाबू बोलछिस तो, कोन फोन करछे, आई देख ना के फोन करेछे, हां हेलो, के, हां जानो, अरे के जानो नाकि सकल सकल জানু সোনাই টুবাই বুকাই জানু বলছিস তো জানু বলছিস রাগ কেন করছিস জানু সকাল সকাল ফোন ফোন করছিস না রাখ তো হ্যালো হ্যাঁ গুলু কে গুলু আমি মাম্পাই বলছি সকাল সকাল কাজের সময় কেন ফোন করিস ভাই উল্টো কথা কথাবার্তা লাগিস না এই গুলু পাল্টু কথা বলিস না গুলু শোন না গুলু বেটা কাকে চাই কাকে চাই এই তুই সোনাই সোনাই এর ভাই বাবু বাবু জানু জানুর গুলু তো কোন পাগল সকাল সকাল এগুলো কোথা থেকে ফোন করে এক মিনিট শোন না এই শোন 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 হ্যাঁ পুচু मैं आरजे प्रवीण बोल रहा था रेड एफएम 93.5 से। आरजे भाई जब तेरी गर्लफ्रेंड तेरे को सुनाए बाबू जानू गुल्लू पूछू हम ही से बुला सकते, हम नहीं बुला सकते? प्रवीण बोल चो। अबे हाँ बे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, मुर्गा बना रहे थे तुम्हारा। भाई साफ सफाई के मामले में अतुल जी का कोई मुकाबला नहीं, ऐसा इनका मानना है कि मैं बड़ा साफ सुथरा आता हूँ। अच्छा जी, बैंड बजाते हैं, बजाओ। हेलो जी, मेरी बात अतुल जी से हो रही है? आई एम कॉलिंग फ्रॉम द हेड ऑफिस एचआर डिपार्टमेंट। हां जी, हां जी, हाउ इज द वर्क गोइंग? गुड। ओके, अच्छा अतुल जी, एक बात दरअसल सामने आई है कि बहुत सारे लोग जो है आपकी कंप्लेंट कर रहे हैं। एचआर से मैं बात कर रहा हूँ, और हमारे को बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन करी है दैट यू नो वर्क वाइज तो यू आर गुड, लेकिन हाइजीन लेवल पे यू आर नॉट यू नो गुड इनफ। क्या हुआ है?
ऐसा ये हुआ है कि आप वॉशरूम एक तो बहुत लेट जाते हैं और जब भी जाते हैं तो आप फ्लश करके नहीं आते हैं। तो आप कोशिश भाई, अब ये कुछ लोगों ने आप पे चेक किया होगा ना कि हु इज द कल्प्रिट। आपके पीछे पीछे कोई गया होगा, हमने सीसीटीवी कैमरास में भी देखे जब आप वॉशरूम गए हैं और उसके बाद जो बंदा गया है आई कांट टेक आउट द नेम बट ये है कि हाँ इतनी फ्लश नहीं करा उन्होंने बताया। हाँ सीसीटीवी कैमरा में देखा है, बिल्कुल लगवाया हुआ है। क्या बात कर रहे हैं, कुछ चीजों को एक्सेप्ट करना सीखिए, आप काम अच्छा कर रहे हैं। नहीं वो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी किसी ने कंप्लेंट करी है और हमने भी वेरीफाई करा है तो इसमें यू शुड एक्सेप्ट इट ना। अगर अपनी खुद की फॉल्ट है तो है, किसी ने तो ये भी बोला आप वॉशरूम के बाद हाथ नहीं धोते हो, हाथ नहीं धोते हैं आप और बाहर जाके लोगों से हैंडशेक करते हैं। यू डोंट मिस चरातुल, एक्सक्यूज मी यू डोंट टेल मी व्हाट शुड आई डू एंड व्हाट शुड आई डोंट डू। ठीक है, ये आपका जो भी रिपोर्ट है ये गलत है सर, एवरी टाइम मैं प्लस करके आता हूं, हैंड वॉश करता हूं, आपके कितने खाएंगे। बहुत सारे लोगों ने सिग्नेचर करके दिए कि हाँ अतुल इज द वन। बहसबाजी में कुछ है नहीं, अगली बार के लिए आप याद रखिएगा फ्लैश करेंगे आप, ठीक है, हाथ धोएंगे और इसके साथ ही साथ आप रजिस्टर रखा जाएगा वहाँ पे, आप लिखेंगे मैं इतने बजे आया था और इतने बजे बाहर निकला हूँ टॉयलेट से। अच्छा, की कोशिश कर रहे थे 93.5 से दिल्ली का कड़क लौंडा आशीष बोल रहा हूँ, आपका बैंड बजा रहे थे भाई, ऐसे काम मत करो सर वरना मेरा बैंड बज जाता है। आज हम जिनका बैंड बजाने जा रहे हैं उनका नाम होता है सुब्रमण्यम जी और ये अपनी सुपुत्री के लिए एक लड़का ढूंढ रहे हैं जो बोलने में बहुत ही अच्छा हो, बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो फैमिली का और साथ ही साथ कमाता भी थोड़ा अच्छा खासा हो। तो अब ऐसे में हनी हमारे में तो ऐसी कोई भी क्वालिटी नहीं है लेकिन फिर भी बैंड बजाने। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून, आई एम टॉकिंग मिस्टर सुब्रमण्यम। या सो दिस साइड वेंकटेश्वर एंड आई टोल्ड यू दैट वी हैव अ बिजनेस ऑफ ज्वेलरी इन बैंगलोर प्लस इन दिल्ली। व्हाट इज दिल्ली यू आर इन लिविंग? वी आर स्टेइंग इन ग्रेटर क्लास। ठीक है, ओके, ग्रेट। How old is the business of yours? Probably 35 years. Okay, so you have Tamil matrimony or Baptist? Yeah, Tamil matrimony. So, okay, what is your background? You have done your education in Delhi, what did you do? Actually, I have done my MBA from London. Okay. Plus, I'm doing a PhD. From where this PhD is being done? Actually, I'm doing it from the German University. Yeah, with the university. Yeah. MBA London was a full-time course? Yeah, full-time course. Before that, I was in Dubai. Sharjah School. What I want is, I don't know whether you know a background, I'm basically a chartered accountant. Okay. Daughter is a chartered accountant. Okay. And second daughter is an engineer. Very nice. And I got a housewife. Very nice. Okay, now the point is, I'm little conservative. So, but I'm sure looking at my profile, you'll be really interested and we also happen to have a very joint family. So, we have a good background. So, but the only thing is, after marriage, because I believe we should be open-minded. After marriage, I want to be a house husband. What? I want to be a house husband. House? You don't want to work? No. I want to take care of the kids, take care of my wife. She's going for work. I'll prepare food because I really like to cook. So I'll... Where will the earnings come? Wife will bring the earnings. For earnings, my wife's going to work. So you want to be a house husband. This is just a new concept. Yeah. Anyway. So new concept, but it's just that I want to be a homemaker. Ghar pe baithenge. What is that? Conceptually, it's true. Do you have any issues if I want to be a house husband? Main ghar pe reh ke khayal rakhna chahta hun karwa chauth pe. Ideally, if you ask me, no. I'm a hardcore professional. It's sad. आपको नहीं लगता कि जैसे करवा चौथ पे मैं खाना बना के दे रहा हूँ उनको, wife को? I think no woman would like a man sitting at home. Let me be very clear with you. Personally, frank opinion, I'm not very happy. Okay, सुब्रमण्यम जी. मैं बहुत time से आपसे बात करना चाह रहा था. लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे करूँ. Do you know Kasturi? Kasturi. The one who works with the 93.5 Red FM? Yeah, Kasturi is there. Correct. मैं Super Hits 93.5 Red FM से दिल्ली का कड़क लौंडा आशीष बात कर रहा था सर. तुमने मेरी बजा ली. नहीं. All the best. बना आया ठीक है. Thank you so much. गौरव जी के सेकंड हैंड एसी को गैस्ट्रिक ट्रबल हो गई है, मतलब गैस बन ही नहीं पा रही. कोई बात नहीं, थोड़ी सी हम बनाने में मदद कर देते हैं. बजाओ इनका. हेलो हेलो, हाँ भैया तौकीर बोल रहा हूँ, क्या हो गया बार बार फोन पे फोन मिला रहे हो आप? भाऊजी क्या हुआ?
गैस डाली है भैया? कौन सी गैस डाल दी यार, ये तो चली नहीं रहा यार, रात से साला मच्छर काट काट के हमें परेशान कर दिया। तो भैया एसी से मच्छरों का क्या मतलब है? पहले भाई आवाज, ये कौन सी गैस डाल के गए हो तुम, इसमें डाल के क्या गए हो? गैस तो डाली भैया, दरअसल बात क्या हो गई थी मेरे को ना, जब मैं आपकी गैस डाल रहा था तब मेरे को घर से फोन आ गया मेरी बीवी का। हाँ। हमें ना ऊपर वाले के कर्म से, मतलब जो है हमारे घर में बेटी हुई थी 6 महीने पहले, तो दरअसल उसको ना दूध पिलाना था। हाँ। तो मैं फिर अपने जो मेरी बीवी का फोन आया, तो मेरी बीवी का फोन आने पे मैं फट से चला गया। हाँ। अब वहां जब मैं गया हूँ तो फिर हमने फिर बच्ची के लिए मतलब फिर दूध वूध करवाया, इंतजाम वगैरह कराया, उसकी जो ये नहीं होती प्लास्टिक की बोतलें। गैस कौन सी डाल के गया इसमें? गैस डाल के गया हूँ मैं, तो फिर मैं सुन तो लो पहले पूरी बात, फिर मैं घर गया हूँ, घर जाके फिर मैंने बच्ची के लिए मतलब दूध जो है गर्म करवाया, जो प्लास्टिक की बोतलें जो होती हैं उनको उबलवाया है, फिर मतलब थोड़े से और जो है पोने वोने जो होते हैं जिसमें रोटी वोटी लपेटते हैं, फिर उसके बाद वो करा, तो फिर वो गैस थोड़ी सी कम सी जी हो गई थी। पानी सुना रहा है मेरे को, गैस तो बता कौन सी डाली है? तो भैया गैस तो डाली थी मैंने। तो भैया ये चल क्यों नहीं रही है एसी, कौन सी गैस डाल के गए हो? भैया सिलेंडर वाली गैस। अरे तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया क्या? कौन सी गैस डाल के गया सिलेंडर वाली? एलपीजी वाली यार, कमाल बात है, बदतमीजी है यार, जलील पना है यार। तुम सुनो मेरी बात, तुम क्या गलत बात कर रहे हो यार, चला रहे हो? तुमको शर्म नहीं आती? तुम एक तो बात कैसे कर रहे हो, एक तो इतना भारी सिलेंडर लेके हम छत पे गए हैं यार, एक तुम मालिक से बात करा, अपने तेरा मालिक कौन है? मैं ही तो मालिक हूँ। तो अरे तू कैसा मालिक है, कौन सी गैस डाल गया तू? नाली से उठ रही गैस थोड़ी ना डाली है यार, कोई पेट की गैस थोड़ी ना डाली है, एलपीजी वाली गैस डाली है, चौकस काम तो करती है। एसी के साथ बताओ कोई कैसे कर सकते हैं इसे? अभी ये कैसे चलेगा एसी, तो कल दोबारा आके सही करके जाए। मेरी बात सुनो, अभी तो गैस भी पूरी नहीं डली है, कल मैं लेकर आता हूँ सिलेंडर, कल मैं भरता हूँ। जल्दी ले क्या? हाँ ले आ रहा हूँ, अभी ले आऊँ क्या? हाँ अभी ले आओ। क्यों कोई बात नहीं, अभी एक सेकंड रुकना जरा। दाल चढ़ा रखी है क्या तुमने गैस पे? अभी तो दाल चढ़ रखी है, चलो फिर मैं आधे पौन घंटे में आता हूँ। अबे कौन सी गैस लेके आएगा, दाल चढ़ रखी है वही लाल वाली सिलेंडर एलपीजी का? अबे रिमोट तो माता करवाएगा। हेलो, हंस तो रहा है? हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि भाई सुपर हिट 93.5 रेड एफएम से दिल्ली का कड़क लौंडा आशीष बात कर रहा था, आपको बैंड हो जा रहे थे भाई। अरे हेलो, ये जो न्यू रोड में जो बंगलो बनाया हुआ है मरून कलर का, ये आप ही का है? हाँ जी, आप कौन? विकास बोल रहे हैं आप? जी विकास जी, हम लोग वो सरकार की तरफ से आए थे, आपके बंगलो के ठीक बाहर में ही खड़े हैं हम लोग अभी। मेरे बंगले के बाहर में आप खड़े हैं मतलब? जी एक्चुअली क्या है कि आपने वो सुना है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, इसके बारे में सुना? आपने जानकारी है आपको? जी जी है, मालूम तो आपको पूरी है, तो आपको बताना चाहूंगा कि एक सड़क बनने वाली है, वो आपके घर से होकर के गुजरेगी, हमारे पास में कोर्ट के ऑर्डर है आपके घर को तोड़ने की, क्योंकि सड़क वहीं से गुजरेगी। मेरा जो घर है वो तो शहर में बना हुआ है, तो ये अरे भाई साहब, भारत का पूरा विकास हो रहा है, शहर गाँव सब एक हो रहे हैं, तो अभी मेरी बात सुनिए, हम 15 मिनट से इधर में डोरबेल बजा रहे हैं आपके घर के बाहर में, कोई खोल नहीं रहा है, तो फिर आपका नंबर सुनिए। एक मिनट, मैं घर पे नहीं हूँ, मुझे कोई नोटिस नहीं मिला है, मैं कोई नहीं। अरे नोटिस तो इंडियन पोस्ट आएगा, डाक कहीं अटक गया होगा रास्ते में, कुरियर में। एक मिनट, सारे लोग काम पे आए हुए मजदूर है, एक दिन का पैसा दिया हुआ, आज ही काम खत्म करवाना है। हम है नहीं वहाँ पे, तब हमारे लिए और भी अच्छा काम है, मतलब घर में कोई होता बुलडोजर चला देते जबरदस्ती, 5-6 लोग मर जाते हैं। पागल हो गए क्या, किसी घर में बुलडोजर कैसे चला देंगे भाई? बुलडोजर चलाना तो पड़ेगा भाई, से हमने ताला तोड़वा लिया है, ताला तोड़ा कि नहीं तोड़ा तुम लोग अभी तक? घर पे बुलडोजर टूट रहा है। ये जो आप हॉल में झूमर लगाए ना, बहुत अच्छा लग रहा है, उतार के हम लोग रख ले रहे हैं साइड में, ठीक है? एलईडी हमको पसंद आ रहा है, ले ले एलईडी टीवी, जो बड़ा वाला सर वो भी ले ले रहे सब। हाँ नया कटलेरी सेट, एक मिनट आप बताएंगे तो कम से कम। अरे फायर बॉल बुलडोजर चालू करने के लिए, अरे पागल हो क्या? 3-4 दिन के बाद में आएंगे, आपको यहाँ लगेगा ही नहीं कि यहाँ पर आपका घर था। सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर मैसेज जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हेलो, इज दैट अनन्या? यस अनन्या, मैं आपके स्कूल से बोल रहा हूँ, आप वीडियो गेम बहुत खेल रही हैं आजकल, मुझे आपकी कंप्लेंट करनी है, जरा अपने पापा से बात कराइए। अनन्या? यस अनन्या, मैं आपके स्कूल से बोल रहा हूँ, अपने पापा से बात कराइए, मैं आपकी कंप्लेंट करूंगा उनसे जरा। पापा तो घर पे है ही नहीं। चलिए मम्मी से बात कराइए अपनी, मम्मी से बात कराइए बेटा। मम्मी भी घर पे है ही नहीं। घर पे कौन है? मम्मी पापा तो गए हुए हैं, लेकिन और लोग हैं सर। कब आएंगे मम्मी पापा?
केसेस तो गए कि 2-3 दिन लग जाएंगे जरा। 2-3 दिन लग जाएंगे? कहाँ गए? मार्केट गए। 2-3 दिन लगेंगे आने में मार्केट से? देखिए मैं नहीं, मैं ऐसे नहीं मानूंगा, मुझे किसी बड़े से बात करनी है। किसी बड़े से बात कराइए मेरी। क्योंकि मुझे कंप्लेन करनी है आपकी, आप वीडियो गेम बहुत ज्यादा खेलती हैं। अभी कराइए किसी बड़े से बात। एज में बड़ा होना चाहिए। हाँ बस एज में बड़ा होना चाहिए, बात कराइए अभी। सर मैं बड़ी बहन से बात करा दूँ? बड़ी बहन से बात कराइए, बड़ी है ना वो। बड़ी बहन से बात कराइए। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं अनन्या के स्कूल से बोल रहा हूँ, उसकी कंप्लेन करनी थी। आप कौन बोल रही हैं? मैं अनन्या की बड़ी बहन बोल रही हूँ। अच्छा आप अनन्या की बड़ी बहन बोल रही हैं? हाँ जी। एज क्या है आपकी? एज? एज तो मेरी बहुत है। बहुत है। आपसे कंप्लेन करनी थी, अनन्या बहुत वीडियो गेम खेलती है। नहीं नहीं, मैं बड़ी हूँ ना, मैं समझा दूँ। वैसे क्यों खेलती है इतना वीडियो गेम? जिसने भी आपको बताया है वो गलत बताया है, इतना नहीं खेलती वो वीडियो गेम। वैसे किसने बताया आपको? अनन्या की मम्मी ने बताया था। ये अनन्या पे आप थोड़ा कंट्रोल करिए, ठीक है ना? ये आजकल के बच्चे इनकी पिट्टी होनी चाहिए। नहीं, पिट्टी अगर प्यार से ही मान जाए तो पिट्टी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी ना, ठीक है ना अनन्या? यस सर, बिल्कुल ठीक है। आप अभी बात करिए अनन्या से और ये कहिए कि वीडियो गेम कम खेले। यस सर। और इसके मम्मी पापा वैसे कब तक आएंगे? उनको 3-4 दिन तो लगेंगे। 3-4 दिन लगेंगे, ठीक है अनन्या? ठीक है सर, बाय बाय। Hello. Hi, yeah, am I speaking with Suraj? Yes, bol raha. Suraj, Jacob this side, I'm calling from IELTS. You applied for Canada's visa and that through IELTS, am I correct? Yeah, yes, I applied. Superb. Your exam is scheduled for 11th of November. It'll be reading, written and listening test. However, we're going to pre-schedule your listening test, which is about to start in another 20 seconds. Right? You should be ready. You'll be listening to a conversation after 20 seconds now. So are you ready for that? Right now? Oh yes, right now itself. And please be ready, we have another 15 seconds. I'll be transferring your call to IVRS and you'll be listening to the conversation now. But sir, I am not prepared. I'm sorry, this is non-negotiable. You please be ready with your pen and paper. We're going to start with this. Wait, sir. Let me pen and paper. So listen to this conversation very carefully and good luck, my boy. The test is about to start. You will be listening to a conversation between two people. Meanwhile, you will be asked questions. Here we go. Hello? Hi, this is Jacob. I wanted to inquire about school admissions. Could you please help me with that? Hi, Jacob. Yes, sure. I live around the Tanker Road and there are some issues which I'm facing regarding the school admissions. I would be the happiest to help you, Jacob. Thank you so much. I wanted to inquire how many schools exactly would be around my locality, that is the Tanker Road. The Tanker Road has exactly 5 schools, Jacob. Wow, that sounds great. I hope there are some Sarkari schools as well. Your first question is, how many burgers did Martha eat for lunch? Burger not mentioned. That reminds me, Martha, how do I commute from my home to work daily? Jacob, you can take the bus or either take Grameer Seva to reach your destination. Wow, that sounds great. It will not only make my commute easy, but also help me save the environment. Your next question is, what is the color of Jacob's shirt? Hello, sir. The shirt is not their conversation. Well, movies have always been an integral part of our culture, isn't it? Yes, you are right, Jacob. I agree with you. So, Jacob, what do you think about... Martha, I think there is some issue with the network. Hello, Jacob, are you there? Yes, I am. Hello, are you there? Haan, bas ab theek hai. Martha,
Please show me your hand. Here it is, Jacob. And here is your gift. I hope you like it. Oh, thank you so much. I love the gift. Your next question is, what did Jacob give to Martha? Hello, I want my bag, my tea. Hello. Tuck, Jacob. Tuck, tuck. Hello. Tuck, 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 tuck. Jacob, I think someone is at the door. Hello. Wait, let me see. Who is it? Hello. Kya haal hai bhai Jacob, bade dinon baad. Hello. Namaste, mama ji. Baithiye, main bas abhi Martha se baat kar raha hoon. Baat karo, baat karo. Hello, give me my fees back. Hello, money. Hello. So do you want your fees back? Yes. Then you'll have to listen to this last question. Who is the third person with Jacob and Martha who is making your murga? भाई मुर्गा बना रहे थे, आइल्स की तैयारी करो, लो सुनो। गुड लक फ्रॉम मार्था एंड जेकब। आइए अदिति है अभी हमारे साथ, इनको अपने बॉयफ्रेंड का मुर्गा बनवाना है। हालांकि मैं इस फेवर में ज्यादातर नहीं रहता हूँ कि ऐसे किया जाए, बट क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या हो रहा है? प्रॉब्लम तो क्या ही बताऊँ, बहुत चिक 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 करता रहता है, तो मैंने सोचा थोड़ा मुर्गा बनवा लिया जाए उसका। तो लड़ाई वड़ाई होती है? बहुत बहुत लड़ाई होती है। हाँ। अच्छा, लेकिन प्यार भी उतना ही है? प्यार, देखो प्यार तो है। हाँ, तभी तो मैंने सोचा तो जरा मुर्गा बनवा के थोड़ा सीधा कर दूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, डन। तो एक काम करो, उसका नंबर तुम मिलाओ और फिर उससे बात करते हैं। यहाँ से डायल करना, इधर से। हेलो। हेलो देव। यस, कौन बोल रहे हैं? कैसा है भाई? मैं ठीक हूँ। क्या कर रहा था अभी, फ्री है? फिर ये से तो बताऊंगा, फिर आप बोल कौन रहे हो? मैं भाई अदिति का फ्रेंड बात कर रहा हूँ यार। अच्छा, अदिति आपके साथ है वहाँ पे? अदिति नहीं, अदिति साथ में नहीं है यार मेरे, पर मैंने सोचा एक बार बात कर लूँ। क्या हुआ, एक आध दिन से बात बात नहीं हुई है क्या? नहीं यार, मतलब काफी चीजें हो रही है। मतलब क्या यू आर अदिति स्कूल फ्रेंड या फिर कॉलेज से? अदिति का कलीग हो यार मैं, हमारी आई थिंक उसने बताया होगा कभी, हम ऑफिस के बाद मिलते रहते हैं ना, वो बताती नहीं कि। अच्छा, हाँ, okay, okay. तो अभी वो फिर ऑफिस में ही है इसका मतलब? हाँ, वो भी ऑफिस में ही है, और मुझे पता लगा यार तुम्हारी लड़ाई बड़ाई हुई है, सो आई थॉट एक बार बात कर लें, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है ना कि दो लड़के जब आपस में बात करते हैं तो वो ईजी रहता है, जैसे अगर मैं एज अ फ्रेंड उसको कुछ कम्युनिकेट कर दूं जो तुम नहीं बोल पा रहे भाई, तो बस तुम लोग सही रह लो ना यार साथ में, बताना क्या हुआ। मैं सच बताऊं यार, मतलब दिमाग ना बहुत ज्यादा खराब हुआ पड़ा, छोटी छोटी बातों पे लड़ना, छोटी छोटी चीजों के ऊपर नखरे करना। यार देख, तू बंदा है राइट, तो मैं बंदे वाली बात बताऊं भाई, ये सारी चीजें ना, ये टेंट्रम्स वगैरह ना इतने ज्यादा हो गए ना, इतने ज्यादा हो गए यार, कभी कभार मन करता है कि बस सारी चीजें खत्म करके ना कहीं निकल लो। बट यार शॉपिंग पे ले जाना है, कभी बोलती है इस मॉल में जाना है तो उस वाले मॉल में नहीं जाना, मतलब यार मॉल की चॉइसेस होती है क्या? कभी सुने कि भाई मेरे को इसी मॉल में जाना है, भाई वही शॉप हल्दीराम ए में भी हल्दीराम बी में भी है, इसको ए में ही हल्दीराम में जाना है जबकि हल्दीराम हर जगह है। तो भाई इतनी चीजें, मतलब ठीक है मैं सारी चीजें ख्याल रखने की कोशिश करता हूँ, मैं सारा मैं भाई आई गिव हर फ्लावर्स, भाई आई गिव हर गिफ्ट, मैं साला सैलरी नहीं आती, लास्ट के एंड में बैठा होता हूँ, तब भी मैं कुछ ना कुछ करके क्रेडिट कार्ड पे स्वाइप करके गिफ्ट देता ताकि वो खुश रहे भाई। बट पता नहीं ये क्यों यार, मतलब इट ऑलमोस्ट कितना हो गया, क्या टाइम कितना हो गया भाई तुम्हें रिलेशनशिप में? यार हम लोगों को हो गया साल के आसपास हो गया यार। और टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई, देख मैं तुझे ऑनेस्टली बताऊं, ये बात ना तेरा मेरे बीच में ही रखी हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई, आई हैव स्टार्टेड इवन लुकिंग आफ्टर डिफरेंट गर्ल्स, मतलब मैं तो मैं किसी के साथ तो एक अभी ब्लाइंड डेट पे भी गया था और मुझे अच्छी भी लगी वो। अच्छा, एंड भाई मतलब सीरियसली इतनी स्वीट, इतनी बढ़िया लड़की थी यार, उसका नाम सुप्रिया था भाई, बहुत अमेजिंग बंदी, ना कोई टेंट्रम, ना कोई चैचे, ना पै पै भाई, इट्स सो गुड मैन। मैं तो I'm started going out with her, मतलब एक बार ब्लाइंड डेट पे गया था, उसके बाद हो गया दो हफ्ते हो गए यार, लाइफ में चेंज है यार, मैं खुश हूँ भाई। तो क्या किसी और के साथ है क्या अभी? नहीं अभी मैं एक्चुअली बस उसको मैंने ड्रॉप किया यार, मेरी गाड़ी में बैठी हुई थी बस, वो अभी नहीं। अरे भाई मेरा वो मतलब नहीं है, मतलब क्या तू मतलब अदिति के अलावा किसी और के साथ है क्या? हाँ यार, मतलब रिलेशनशिप में रिलेशनशिप ही समझ ले उसको, मैं मिल रहा हूँ उससे रेगुलरली, मुझे अच्छी भी लगती है वो, और हाँ रिलेशनशिप में ही समझ ले भाई। व्हाट द देव, तुम इतने टाइम से, तुमने अभी क्या बोला कि तुम किसी और को डेट कर रहे हो, क्या चल रहा है ये सब? अरे भाई ये अदिति साथ है क्या तेरे? अदिति अदिति मत करो, अदिति ही बोल रही हूँ मैं। ड्यूड तू स्पीकर फोन पे था क्या? अरे भाई मैं अरे वो स्पीकर पे हो या किसी चीज पे भी, अभी तुमने क्या बोला और ये क्या
छापा लगा रखा है, एक साल से किसी को डेट कर रहे हो, मैं मतलब मैं पागल हूँ क्या? हल्दीराम कहाँ लेके गई मैं तुम्हें कभी? अदिति 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 मत करो यहाँ पे, ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी तो बोलना चाहिए ना। तुझे बोला तो था, तू सुनती कब है यार मेरी? तो तुम किसी और को डेट करने लग जाओगे? अबे यार नहीं, गुड बाय, मैं एक बार इससे बात कर लेता हूँ। अरे नहीं यार अदिति मेरी बात तो सुन। अदिति देव 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 सुनना, जा चुकी है अदिति, जा चुकी है गुस्से में, गुस्से में निकल के स्टूडियो से बाहर आपने मुझे पहले बता दिया और कि ये मेरा मुर्गा बनाने वाली है एंड इट्स लाइक मजा आ गया। अरे नहीं भाई वही तो, लेकिन अब बात का सीन तुम्हें संभालना है भाई अभी, क्योंकि मैं आउट हूँ इस चीज से, ठीक है? या मैं काम करता हूँ भाई, सुनो ना यार, मैं एक बार स्टूडियो में हूँ, मैं उसके ना पीछे भागता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में कोई तोड़फोड़ दे। हाँ प्लीज थोड़ा सा संभाल लेना, ठीक है? बाकी मैं संभाल लूंगा, थोड़ा डन है भाई, डन है, डन है भाई। चलो बना दिया मुर्गा भाई, बाय 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 बाय, ओके बाय बाय। हेलो, हाय मैम। हाय मैम, आपको कुछ बताना चाह रहा था, मैं कुछ स्कीम के बारे में बताना चाह रहा था। नहीं मैम, जस्ट लिसन टू मी मैम, इस संडे अगर आप इस संडे किसी भी मॉल में 7,000 रुपए की शॉपिंग करते हैं, अच्छा, और उसके बाद किसी उसी मॉल में किसी भी पार्लर पे जाके अपना मेडिक्योर पेडिक्योर कराते हैं, आप मुझे 2 मिनट में कॉल करेंगे, मैं आपकी बात करना चाहती हूँ, बस मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं काम निपटा रही हूँ। ओके ओके मैम, ओके ओके, ऑलराइट ऑलराइट। हेलो, हाय मैम, मैंने अभी कॉल किया था आपको, एक सीम के बारे में बता रहा था मैं आपको। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, मैम आपको ये बता रहा था, इस आने वाले संडे आप अगर किसी भी मॉल में जाके 7,500 रुपए की शॉपिंग करते हैं, अभी तो आपने 7 बोला था, माय मिस्टेक मैम, माय मिस्टेक, किसी भी मॉल में जाके 7,000 रुपए की शॉपिंग करते हैं, और ये शॉपिंग 7,000 की सिर्फ मेरी अपनी कर सकती हूँ या बच्चों की वगैरह भी, मतलब कुछ भी मैम, ये आपकी चॉइस है, ये आपकी चॉइस है, आप अपनी भी कर सकते हैं, जैसे आप अपनी भी कर सकते हैं या बच्चों की भी कर सकते हैं, लेकिन 7,500 रुपए की सेम डे, मैं सिर्फ संडे का बता रहा हूँ, मैं सिर्फ संडे का बता रहा हूँ, और उसी संडे में आप उसी मॉल में किसी पार्लर में चले जाते हैं जिसमें आप मेडिक्योर पेडिक्योर कराते हैं, जिसका बिल 5,000 रुपए अगर बनता है, अच्छा, उसके बाद उसी दिन अगर आप मूवी थिएटर जाते हैं विद फैमिली, मतलब अपने हस्बैंड से कहते हैं कि हम फिल्म भी देखेंगे, और मूवी टिकट आप मूवी जब जाते हैं तो जनरली अंदर कुछ लेते हैं खाने पीने का? बिल्कुल, हाँ नहीं बिल्कुल, अगर आप मूवी टिकट्स लेते हैं पॉपकॉर्न लेते हैं तो इसका बिल अगर आपका 2,500 से 3,000 रुपए बनता है, और उसी मॉल में उसी रात में अगर आप डिनर भी करते हैं और हस्बैंड से कहते हैं कि डिनर डिनर खाली हम फैमिली कर सकते हैं, जैसे मेरी बहन आई हुई है तो वो भी आपको बताता हूँ मैं, उसी दिन अगर आप साथ में मिलके अपने हस्बैंड से कहते हैं चलो डिनर भी यहीं करेंगे और आपका बिल तकरीबन 3,500 से 4,000 रुपए बनता है, तो उससे अगर आपके हस्बैंड को चक्कर आते हैं, मतली आती है, घुटनों में जान नहीं रहती है, कमजोरी सी लगती है, हार्ट अटैक के चांसेस लगने लगते हैं, पल्स डाउन हो जाती है, दिमाग में घूमे रहते हैं, चक्कर आते हैं, तो मैं डॉक्टर लूथरा बोल रहा हूँ, हमारी लैब में हर टेस्ट पे 20% डिस्काउंट है मैम, आप शुगर टेस्ट करवा सकते हैं, आप चक्कर क्यों आ रहे हैं इसकी रिपोर्ट दे सकते हैं, आप बीपी की रिपोर्ट दे सकते हैं, 20% डिस्काउंट है मैम, इसलिए मैंने आपको फोन किया। हेलो, गधे हो क्या तुम, क्या घुमा फिरा के बात कर रहे हो? मैम मैं तो डिस्काउंट की बात कर रहा था। ये डिस्काउंट की बात ऐसे करते हैं इतना घुमा फिरा के? और जो ये पैर पहने वाली जो तुम बातें बता रहे थे शॉपिंग की और ये मैनिक्योर पेडिक्योर की, उस पे कोई डिस्काउंट नहीं है? मैम उस पे नहीं, उस पे मैं क्यों बताऊंगा, मैं तो ये कह रहा था उसकी वजह से अगर ये सब हो जाता है तो इस टेस्ट पे डिस्काउंट है, जितने टेस्ट होंगे। बाहर में जाए आपकी लैब और आप मुझे कुछ नहीं कराना अपने हस्बैंड को, भगवान ना करे ऐसा हो। अब आपसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप किसी भी ऐसे इंसान को जानते हैं जो इस संडे 2,500 से 3,000 रुपए की शॉपिंग करता है, अपनी वाइफ को ले जाके फिल्म दिखाता है, तो उसको टेस्ट कराने के लिए डायरेक्टली